ये जो कथा आप हमको सुना रहे हैं वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? अरे इतना बड़ा पुराण है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है, इसको साल भर में महीने में सुनाओ? ये 7 दिन की परंपरा कब से चल पड़ी है कि भागवत महापुराण को 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है? तो ये परंपरा क्यों चल पड़ी और किसने प्रारंभ की है ये परंपरा? तब सूत जी ने कहा कि ऋषियों, सबसे पहले ये परंपरा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों ने माँ गंगा जी के तट हरिद्वार में नारद जी को ये कथा सुना। सोनम जी ने सूत जी से कहा, क्षमा करें महाराज, नारद जी के बारे में जगत जानता है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं है, तो ऐसे घुमक्कड़ बाबा ने 7 दिन बैठ करके कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ली? और सत्कारिकों के साथ में उनका सहयोग कहाँ हुआ? सूत जी ने कहा, ऋषियों आप तुम ध्यान से सुनो कि एकदा ही विशालायां, विशालापुरी नाम है बद्री नारायण धाम का, तो बद्री नारायण धाम में आज भी भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं। जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे उनको ये बात पता है, आज भी भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं। वहां पर 4 ऋषि थे जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई घूम रहे थे, ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संग की इच्छा के लिए घूम रहे थे। देखिए, ध्यान, भजन, पूजन एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग थोड़ी ना एकांत में होगा। सत्संग के लिए तो सभी लोग चाहे सुनने वाले, और चारों भाई भगवान की कथा को ही अपना जीवन मानते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सनकादिक भगवान की कथा ना सुने। कथा मात्र के जीवना, जिनका जीवन ही कथा है। और सनकादिक मालूम है कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के हैं, लेकिन इनकी उम्र 50,000 वर्ष से भी ऊपर हो गई है। लेकिन जब भी इनकी उम्र बताई है शास्त्रों ने, 5 वर्ष की ही बताई है। पंचहाय न संयुक्ता पूर्वे सर्वे पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज हो गए, लेकिन हमेशा 5 साल के रहते, कभी 6 साल के नहीं हो। क्यों? क्योंकि हरिशरणम 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 ये उनके मुख से निकलता रहता है। उस भगवत नाम के प्रताप से उनको बुढ़ापा नहीं आता है। ऐसे भजनानंदी संत सनकादिक है। और जब देख लेते हैं कि आज सुबह से शाम हो गई, कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला, तो चारों भैया में से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं और घर का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बिना भगवान की कथा सुने बिना रहते नहीं। तो चारों भाई घूम रहे थे कि हमें कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए। अचानक उनकी दृष्टि नारद जी के ऊपर, नारद जी भागे भागे से जा रहे थे। चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, राम राम, दुनिया को चक्कर में डालने वाले नारद जी आज स्वयं चक्कर में घूम रहे हैं, क्या हो गया है इनको? तो चारों भैया ने नारद जी को टोकते हुए पूछा कि कथम ब्रह्म दीन मुखा और पुत्र चिंता तो रो भवान, त्वरितं गम्यते पुत्रश्चावनम तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि और गतिभित्तो यथा जना तवेदं मुक्ति संगस्य नोचितं वद कारणम्। पहले ऋषि ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे नारद भैया आपका मुख उदास क्यों है? दूसरे ने कहा, कुतश चिंता तो भगवान, आप इस समय बड़ी चिंता में लगते हो। तीसरे ने कहा, आपका लटका हुआ चेहरा ऐसा लग रहा है। चौथे ऋषि ने कहा, जैसे गतमित्व यथा जना, जैसे महादर्पण का किसी ने धन लूट लिया हो। भाई तुम्हारा क्या लूट गया जो तुम ऐसे
संसारियों का जब सब कुछ लुट जाता है तो वो संतों के पास जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। और संतों के पास में जो रत्न होता है ना, उसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं है। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रत्न। तो राम नाम का रत्न संतों के पास में होता है, जिसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं है। तो नारद जी तुम्हारा क्या लूट गया जो तुम ऐसे लुट कर घूमते हो, उचित तो बिल्कुल उचित नहीं है, हमें बताओ क्या बात है। तब नारद जी ने अपनी सारी पीड़ा अपने अग्रजों को अपने संपादिकों को बताई। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं इस संसार को इस भूमंडल को सर्वोत्तम लोक समझ करके क्यों सत्संग के लिए कि भगवान का सत्संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी और मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन महाराज मैंने सब जगह घूम करके देख लिया, कहीं भी मेरे को सत्संग नहीं मिला। सरकारी को बोले ऐसे घूमने से थोड़ी ना सत्संग मिलता है, तीर्थों में जाओ, तीर्थ भूमियों में साधु संत रहते हैं, वहीं पर सत्संग मिलेगा, वहीं पर भगवान की कथा मिलेगी। नारद जी बोले तो महाराज मैं दिल्ली बंबई थोड़ी ना घूमा, तीर्थों में गया था। कौन कौन तीर्थों में गए थे? बोले कोई नहीं छोड़ा महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम महाराज पुष्कर गया, गया जी गया, काशी गया, गोदावरी गया, सारे तीर्थों में मैंने यहाँ से वहां भ्रमण किया, परंतु ना पश्चिम कुछ शर्मा मना संतोष का मेरे मन को शांति मिले, मुझे भगवान की कथा सुनने को मिले, ऐसा कहीं भी वातावरण मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा चलो अब संतों को देखते हैं। महाराज मैं संतों के यहाँ भी गया, वहां क्या देखा? बोले पाखंड निरतः संतः वीरता सब परिग्रह। मैंने देखा महाराज जो सही मार्ग पर चलने वाले संत हैं उनको तो कांटों पर चलना पड़ता है, और जो दिखावटी के घूम रहे हैं संसार में उनकी जय जयकार हो। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। मैंने पूछा ये बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये इतना हल्ला कहाँ मच रहा है? बोले मोनी बाबा की आसान। मैंने सोचा राम राम, जो सही मार्ग पर चलने वाले संत हैं उन्हें कांटों पर चलना पड़ रहा है, और जो दिखावटी के घूम रहे हैं उनकी जय जयकार हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अब गृहस्थों को देख लेते, शायद इनके यहाँ शांति हो। तो महाराज मैं गृहस्थों के यहाँ भी पहुंचा, वहां क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रम लोभा दंपति नाम च कलकण। मैंने देखा महाराज जब तक तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में नहीं है तभी तक सास ससुर की सेवा होती है, और जहां अधिकार इनके हाथ में आए तो ये अपने स्वामी जी के कान फूंक देती है, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सब छोड़ के आई। अब मैंने भी छोड़े, अब आप भी अपने माँ बाप की जल्दी छुट्टी कर, उसका प्रभुत्व चलता है। और घर में किसी चीज की आवश्यकता पड़ती कि ये कार्य किया जाए कि ना किया जाए तो ससुराल ससारे साहब को बुलाया जाता है, वो जो कहेंगे वही होगा। सियाल को बुद्धिदायक संबंधों की ये स्थिति ग्रस्तों के यहाँ होती जा रही है। पहले लोग समधी बन करके आते थे, समधी का मतलब जानते हो आप लोग? बुद्धि विचार जिनके सम हो वो समधी, और आज जहां सौदा पड़ जाए वही समधी। विचार बने ना बने, मिले ना मिले, लेकिन सौदा मुंह मांगा होता है। बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है, सौदेबाजी होने लगी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में महासंग्राम मचा हुआ है।
दंपति नाम चल कर ये मैंने गृहस्थों की दुर्दशा देखी। मेरा तो सिर चकरा गया है भगवान, कहीं पर भी शांति नहीं। नारद जी कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है श्री धाम वृंदावन, वहां अवश्य आनंद आएगा। ऐसा सोच करके महाराज मैं सीधा वृंदावन धाम पहुंचा। वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां क्या देखा, बोले एका तो तरणी तत्रा निसन्ना खिन्न वारसा। यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी है, दो बुढ़े पुरुष उसकी गोद में लेटे हैं और वो रो रही है और कई देवियां उसके अगल बगल खड़ी हैं जो उसको हवा कर रही हैं, कोई उसको जल पिला रही है, कोई उनको समझा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं और पूछूं कि देवी तुम क्यों रो रही हो। और कहीं उसने मुझे ऊट पटांग बोलना शुरू किया कि बाबा तू कहां घुसा चला आ रहा है, तेरे को मतलब क्या है, हम रोए चाहे हंस। तो विरक्त संत को बिन मतलब के स्त्रियों के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सोच करके महाराज मैं वहां से लौट पड़ा और जैसे ही मैं लौटा महाराज तो वो स्त्री ने मुझे देख लिया और तुरंत उसने मुझे आवाज लगाई, भो वो साधु क्षण तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया दर्शनम तविलोकस्या हरंपरा। अरे महाराज जी एक मिनट सुनिए तो सही, कहां भागे जा रहे हो। आप जैसे संतों के दर्शन तो बड़े ही पुण्यों के प्रताप से होते हैं। यदा भाग्यं भवेत् भूरी भवतो दर्शनं तदा। मेरे तो न जाने आज कितने जन्मों का भाग्य उदय हुआ है जो आप जैसे संतों के हमें दर्शन मिले हैं। तब मैं दौड़ करके उस स्त्री के पास में गया और मैंने पूछा, काशिप तुम देवी जी आप कौन हैं, पद देवी सविस्तारं स्वस्थ दुःखस्य कारणं, आप रो क्यों रही हो, अपने दुख का कारण आप मुझे बताओ। तो पहले तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, सुनिए महाराज मैं कौन हूँ, कि अहम भक्ति रीति ख्याता और यमौ मैं तनियम मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगिनि जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, मेरा नाम भक्ति है और ये दो बुढ़े मेरी गोद में लेटे हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है बैरा। अब फटी फटी आंखों से नारद जी देखे, हे भगवान 20 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के बेटा, ये मैंने जीवन में पहला आश्चर्य देखा। तो मैंने पूछा, महाराज माता तुम इतनी जवान और तुम्हारे बच्चे बुढ़े। तो कहने लगी, महाराज काल योगी ने जर्जरो, यही तो समय का खेल है कि मैं जवान बनी बैठी हूँ और मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी, महाराष्ट्र में पली और कई ऐसे प्रदेश थे जहां मैं पाखंडियों से अपने आप को बचा करके भागी। लेकिन यहां आते ही मैं तो नवयुवा संपन्न हो गई वृंदावन आते ही, लेकिन मेरे दोनों बच्चे यहां आते ही बुढ़े हो गए। अब मेरे बालकों की अगर यही हालत रही महाराज तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मेरा, मैं ये स्थान छोड़कर के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, मां मैं पहचान गया आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हैं और ये दोनों मूर्तिमंत ज्ञान वैराग्य हैं। ओहो वृंदावन में तो भक्ति मां का साम्राज्य है, वृंदावन में भक्ति मां नाच रही है नवयुवा संपन्न होकर के। आज भी आप वृंदावन में जाकर के देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला भी आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया साइट हो जाओ हमको निकलना है, नहीं वो भी राधे राधे कहेगा।
अच्छी अच्छी बुद्धि भी जाकर के वहां ढूमका मार के नाचने लगते हैं वृंदावन, क्योंकि भक्तिमान नवयुवा संपन्न होकर के नाच रही है दीवानगी वृंदावन के कण कण में। लेकिन माता जी आपके पुत्रों को कोई यहाँ पूछ नहीं रहा, इसलिए बेचारे बुढ़े पड़े। पर चिंता ना कीजिए माता जी, मैं नारद आपको शपथ पूर्वक वचन देता हूँ कि घर घर में और जन जन में अगर ज्ञान वैराग्य के साथ में अगर आपकी स्थापना ना कर दी तो मैं श्री हरि का दास ना कहलाऊंगा। और जब ये प्रतिज्ञा नारद जी ने की तो भक्ति मैया तो नारद जी के वचनों से गदगद हो गई। धन्य हो नारद जी, यदि आपने मुझे विश्वास दिलाया है तो अब मेरे बच्चे निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कि जयति जगति मायाम यस्य कायानवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति मैया नारद जी की वंदना करती, जयति, हे नारद जी आपकी जय हो। आज आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके ध्रुव जी महाराज आकाश में चमक रहे हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके प्रहलाद जी ने स्तंभ से नरसिंह प्रभु को प्रकट कर दिखाया था। तो जैसे आपने ध्रुव पर और प्रहलाद पर कृपा की है, ऐसे ही आप मेरे दोनों पुत्रों पर कृपा कीजिए, मेरे ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कीजिए। नारद जी ने कहा, अभी लो माता जी वेद वेदांत का पाठ प्रारंभ कर दिया है नारद जी ने। गीता पाठ है मुहुर मुहुर, भगवत गीता का तो न जाने कितनी बार पाठ किया है। इससे थोड़ी सी ज्ञान वैराग्य को चेतना तो आई, लेकिन फिर भी ये देख करके नारद जी को चिंता हो गई कि मेरे पास तो जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब इनको खिला दी, लेकिन इनको तो कोई फायदा ही नहीं होता है। जब थोड़े चिंतित तो हो गए नारद जी तो ऊपर से आकाश वाणी हुई, व्योमवाणी तदेव ओम नारसे खेदतामिति उत्तमस्वप्नस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी जो उपाय आप कर रहे हो वो निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी ने कहा मैं इतना तो उपाय कर रहा हूँ, कुछ तो होता नहीं है। आकाशवाणी ने मार्गदर्शन किया, किसी संत से जाके पूछो। नारद जी ने कहा क्या पूछो, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने कहा देखो, ना तो डॉक्टर का नाम बताया आकाशवाणी ने और ना ही दवाई का नाम बताया, या तो कौन सा सत्कर्म है सत्कर्म का नाम बता देती या संत का नाम बता देती कि फलाने संत के पास चलेगा, अब कोई संत बताया। तो नारद जी ने कहा ठीक है चलो पता लगाते हैं आकाशवाणी ने मुझे किस सत्कर्म के लिए संकेत किया। निकल पड़े नारद जी, जो भी साधु संत मिलता है रास्ते में उन्हीं के पास पहुंचते, महाराज जी प्रणाम कृपा करके आप बता सकते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। सुबह हंस करके कहते अरे नारद भैया ब्रह्मा के बेटा हो, दुनिया में ज्ञान बांटते और हमसे पूछ रहे हो कि सत्कर्म। भाई कोई सामान्य व्यक्ति अगर ये कहे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दवा बता दे, लेकिन प्रसिद्ध डॉक्टर अगर ये कहने लग जाए कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है दवा बताओ, तो हर एक आदमी उसकी हाथ ही जोड़ेगा कि महाराज दुनिया के दर्द को तुम ठीक करते हो, हमसे दवाई पूछ रहे। तो नारद जी महाराज सुप्रसिद्ध संत है, त्रैलोक में इनकी ख्याति है, इसलिए साधारण व्यक्ति कोई इनसे बात नहीं करता है। और जो बहुत नामधारी थे उनके पास जब पहुंचते हैं नारद जी और कहते हैं कि महाराज बताइए सत्कर्म के